मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल बीकीपिंग में आपका स्वागतम है। मेरा ये चैनल में दिखाया जाता है एपिस सेराना इंडिका हनी बीस देसी मधुमक्खी को घर में कैसे पालन किया जाता है। हम सब जानते हैं शहद हमारा हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो घर में ही आसानी से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को लाइक करें। मैंने आपको मेरा पहले वीडियो में दिखाया था मधुमक्खी का स्ट्रॉन्ग कॉलोनी से 2 या 3 फ्रेम लार्वा ताज़े अंडे और शहद से भरा हुआ फ्रेम को कैसे खाली बॉक्स में दिया जाता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल में देख लीजिएगा। और एक वीक के बाद क्वीन सेल कैसे चेक किया जाता है, मैंने ये बॉक्स में 12-13 दिन पहले डिवीज़न करने के बाद देखा था। 2-3 क्वीन सेल हुआ था, वो सब क्वीन सेल बहुत ही मैच्योरेट था और 2-3 दिन में निकलने वाला था। मैं आज मेरा ये बॉक्स चेक कर रहा हूँ, मेरा ये डिवीज़न सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा ये बॉक्स में क्वीन ने ताज़े अंडे दिया है और सब फ्रेम शहद से भरा हुआ है, इसलिए मैंने बॉक्स में क्वीन गेट लगाया है। ये देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, फ्रेम के अंदर शहद प्लेन और ताज़े अंडे से भरपूर है। और वर्कर बीज भी बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, नेक्टर और पोलन बॉक्स में ला रही है। ये देखिए, सब फ्रेम शहद से भरा हुआ है, इसलिए अभी ऑफ सीजन है, बाहर इतना भी पोलन और नेक्टर नहीं है, इसलिए मधुमक्खी कभी भी बॉक्स सोर के जा सकते हैं, इसलिए क्वीन गेट लगाना पड़ेगा। ये देखिए, डिवीज़न बहुत अच्छी तरह सक्सेस हुआ है। देखिए, मैंने ये क्वीन गेट लगा दिया है और वर्कर भी बहुत अच्छी तरह बाहर से नेक्टर और पोलन बॉक्स में ला रही है।